हाय एवरीवन, मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 107 इंग्लिश फिकरात जो आप हर रोज इंग्लिश में बात करने के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये 107 फिकरात बहुत ही शॉर्ट लेकिन बहुत ही यूजफुल होंगे, तो चलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की जबरदस्त वीडियोस लगातार मिलती रहें और आप हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हमारे साथ व्हाट्सएप पर इंग्लिश सीखने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और लगातार इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। दोस्तों, इस सबक की पीडीएफ भी वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हासिल की जा सकती है और हमारी डिक्शनरी डाउनलोड कर लें ताकि आप किसी भी वर्ड के मानी आसानी से जान सकें। हमारी डिक्शनरी इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए आपकी हेल्प करेगी। सो लेट्स गेट गोइंग। दोस्तों, आपकी आसानी के लिए मैं हर एक सेंटेंस को दो बार बोलूंगा। पहली दफा एक एक वर्ड को अलग अलग करके बोला जाएगा। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या जिनकी इंग्लिश वीक है, उनके लिए मैं हर एक वर्ड को अलहदा से प्रोनाउंस करूंगा और उनकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह से बहुत अच्छी हो जाएगी, वो वर्ड्स को ठीक तरह से अदा कर पाएंगे। और एक दफा फ्लुएंटली बोलूंगा, अच्छे एक्सेंट में, अच्छे लहजे में। ये उन लोगों के लिए जो अपनी प्रोनंसिएशन मजीद अच्छी करना चाह रहे हैं। सो हमारे पास सेंटेंस है, क्या मतलब है आपका? व्हाट डू यू मीन? अब जरा फ्लुएंटली प्रोनाउंस करते हैं, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। मैंने कभी नहीं सुना, I never heard that. अब जरा slowly कर लेते हैं, I never heard that. कहां रह गए थे आप? Where have you been? हम कहां थे? यानी जब हम बात कर रहे हों और दरमियान में कोई इंटरप्शन यानी कोई रुकावट आ जाए और फिर हम दोबारा से उसी पॉइंट पर जाना चाहें, वापस वही बात शुरू करना चाहें, तो हम पूछते हैं हम कहाँ थे, यानी क्या बात चल रही थी। तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या पूछेंगे? Where were we? थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ट्राई कीजिएगा, प्रोनाउंस कर लेंगे, ठीक है? Where were we? जाने दो, let it be. जब क्विकली प्रोनाउंस करेंगे तो let it be. मुझे बिल्कुल नहीं पता, I have no idea. कभी सुना है इस बारे में? Have you ever heard about it? Have you ever heard about it? वो मेरा जिगरी दोस्त है। He is my fast friend. सब्र से काम लो। Be patient. वो मुझसे सख्त नाराज है। सख्त नाराज जब कोई हो तो इसका मतलब है वो हमारे साथ फ्यूरियस होता है। क्या होता है? फ्यूरियस। जब कोई वेरी एंग्री हो तो वो फ्यूरियस होता है। तो हम क्या कहेंगे? He is furious with me. वो मुझसे सख्त नाराज है। He is furious with me. हम ये भी कह सकते हैं, He is very angry with me. क्या कभी कराची जाना हुआ? Have you ever been to Karachi? किसी भी जगह के लिए, कोई भी जगह हो, जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या आप कभी यहाँ गए हैं, क्या कभी यहाँ जाना हुआ, कोई जगह है, कोई सिटी है, कोई शॉप है, कंट्री है, कोई भी जगह है, तो यहाँ पर आप यूँ समझ लीजिए कि इस जगह पर आप प्लेस का नाम लेंगे।
ठीक है, प्लेस का नाम यूज करेंगे. सो हैव यू एवर बीन टू लंदन, हैव यू एवर बीन टू, किसी भी शॉप का नाम बोल लीजिए, किसी भी मॉल का नाम बोल दीजिए, ठीक है. सो इस तरह से आप किसी से पूछ सकते हैं कि क्या कभी फला जगह पर जाना हुआ. बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. ये तुम्हारा काम है, दिस इज योर जॉब, दिस इज योर जॉब. मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो. नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो. जब आपने किसी को सख्ती से नहीं बोलना हो तो आप बोलिए नो मीन्स नो. तैयार रहें, बी रेडी, बी रेडी. इसको आपने लंबा नहीं खींचना, रेडी नहीं करना, बी रेडी. यानी यू समझ लीजिए कि ए यहां पर है ही नहीं, बी रेडी. मेरे पास वक्त नहीं है, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम. या आप इसको यूं भी कह सकते हैं, आई डोंट हैव टाइम. क्या कहेंगे? आई डोंट हैव टाइम. बाहर इंतजार करें, वेट आउटसाइड. अगर हमें कहना हो अंदर इंतजार करें, यानी अंदर बैठकर इंतजार करें, वेट इनसाइड, ठीक है. तो आउटसाइड का अपोजिट क्या होगा? इनसाइड. ये रहा, या ये लीजिए. जब आपने किसी को कुछ बोला हो, फॉर एग्जाम्पल अ ग्लास ऑफ वाटर, आपने किसी को कहा हो कि एक ग्लास पानी ला दें, या कोई डॉक्यूमेंट्स ला दें, या लैपटॉप पकड़ा दें, किसी को कुछ कह दिया आपने, अब वो आपके लिए जब लेकर आएगा तो वो आपको क्या कहेगा? हियर इट इज. और साथ ही वो आपको पकड़ा देगा, यानी आपके आगे करेगा वो चीज़, ठीक है, पकड़ने के लिए. सो वो आपको कहेगा हियर इट इज, हियर इट इज. टाइम क्या हुआ है? What's the time? What's the time? What's का मतलब what is? What is the time? आज कौन सा दिन है? What is the day today? What is the day today? What's the day today? आज इतवार है. It's Sunday today. It's Sunday today. It's my birthday today. By the way, ये सच है. It's my birthday. It's your teacher's birthday today. Okay. आराम से बैठिए. Please make yourself comfortable. Please make yourself comfortable. इसको comfortable कभी नहीं बोलिएगा, ठीक है. पाकिस्तानीज और इंडियंस इसको कंफर्टेबल बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं. ये कंफर्टेबल है, ठीक है. इसी तरह से वेजिटेबल बोला जाता है. आप गलती कर रहे हैं, यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन. गुस्सा नहीं करें, डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री. मुझे बताएं, टेल मी, टेल मी. या मुझे इस बारे में बताएं, तो आप कैसे पूछेंगे? टेल मी अबाउट इट, टेल मी अबाउट इट. नाश्ते में क्या है? व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट, इसको आपने कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं बोलना. ये दो वर्ड्स नहीं है, यानी ये और ये दो वर्ड्स नहीं है, ये एक ही वर्ड है और इसको बोला जाता है ब्रेकफास्ट. ओके, ब्रेकफास्ट. रिपीट कर लीजिए पीछे. लाइट जलाओ, स्विच ऑन द लाइट. या स्विच ऑफ द लाइट. ओके, लाइट बंद करो, स्विच ऑफ द लाइट.
मेरे पास कुछ भी नहीं है. I've got nothing. I have got nothing. मेरे पास कुछ भी नहीं है. मुझे सोचना पड़ेगा. I'll have to think. I'll यानी ये है. I will. क्या है? I will. I will have to think. मुझे सोचना पड़ेगा. मैं क्या कर सकता हूं? What can I do? What can I do? मुझे तुम्हारी जरूरत है. I need you. I need you. फजूल बात मत करो. Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. शर्म करो. Shame on you. Shame on you. तुम जा सकते हो. You can go. कौन जाने या किसे पता? Who knows? For example, एक शख्स है जो कि जॉब छोड़ने पर तुला हुआ है, तो उसके बारे में डिस्कशन चल रही है. तो कोई पूछता है कि क्या वो मजीद कंटिन्यू करेगा या वो कल जॉब पर आएगा. तो एक बंदा कह देता है कि वो आज तो कह रहा था कि शायद वो ना आए, बट हु नोज, किसे पता, हो सकता है अभी जाए. ठीक है. सो इस तरह से किसे पता या कौन जाने, तो हम कह सकते हैं हु नोज. जैसे आपकी मर्जी. ये बात कहने के लिए आपके पास है तीन वर्ड्स, विश, प्लीज एंड लाइक. एज यू विश और एज यू प्लीज और एज यू लाइक. तो तीनों में से कोई सा एक वर्ड यूज कर लीजिए. ज्यादा यूज होता है एज यू विश. किसे परवाह है? हु केयर्स. Who cares? कहीं नजर ना लग जाए. Touch wood. Touch wood एक ऐसा expression है, एक ऐसा sentence है छोटा सा, जो आप कोई काम शुरू करते हुए किसी को कह सकते हैं कि कहीं नजर ना लग जाए. मतलब किसी ने बहुत अच्छी dressing कर रखी है, या कोई बहुत बड़ा काम शुरू करने जा रहा है, या कोई बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रहा है. ठीक है. तो आपको लगता है कि उसके कामयाब होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, राइट? या आप उसको बेस्ट विशेस देना चाह रहे हैं. तो आप सिंपली जहां पर आप उर्दू में यूज करते हैं कहीं नजर ना लग जाए, वहीं पर आप इंग्लिश में यूज कर लीजिए टच वुड. ओके, टच वुड. क्या मुसीबत है? व्हाट अ बॉदर. व्हाट अ बॉदर. इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं. What the heck? What the heck? H-E-C-K. What the heck? ऐसा नहीं है. It's not like that. It's not like that. ऐसा नहीं है. क्या आप चाय लेंगे? Would you like some tea? Would you like some tea? Would you like some water? Would you like some coffee? कोई भी चीज जो आपने किसी को ऑफर करनी हो, किसी से पूछना हो कि क्या आप ये लेंगे, तो would you like और उसके बाद आप उस चीज का नाम बोल सकते हैं. ठीक है. वहां कौन है? Who's there? Who's there? मैं हूं. It's me. It's me. कोई बात नहीं. Never mind. Never mind. जरा साइड पे हो जाओ. Please move aside. Please move aside. या move की जगह पर हम एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जो कि है please get aside. Get. Please get aside. बहुत दिन से देखा नहीं. Long time no see. Long time no see. बारिश होने का इम्कान है.
इम्कान होने के लिए आपके पास वर्ड है likely. It's likely to rain. It's likely to rain. मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई. I am glad to meet you. I am glad to meet you. डरो मत. Don't be scared. Don't be scared. मुझे आप पर फख्र है. I am proud of you. I am proud of you. हिचकिचाओ मत. Don't hesitate. Don't hesitate. उसका रंग गंदमी है. His complexion is wheatish. His complexion. Complexion मतलब उसकी जो जाहिरी शक्ल सूरत है, यानी जो कलर है. ठीक है, तो जो जिल्द का, जो स्किन का कलर होता है, उसको हम बोलते हैं complexion. क्या बोलते हैं? Complexion is wheatish. Wheatish. मैं बहुत थक गया हूं. I am exhausted. जब आप बहुत ज्यादा थके होते हैं तो आप बता सकते हैं ये वर्ड यूज करके, exhausted और I am very tired. Okay? I am very tired. तो very tired की जगह पर आप ये वाला वर्ड यूज कीजिए, सिर्फ एक वर्ड जो कि है exhausted. Exhausted. अपने दिमाग का इस्तेमाल करें. Use your brain. Use your brain. मैं समझ गया. I see. जब आप इस तरह से कहते हैं ना, ओह मैं समझ गया, अच्छा 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 ये बात है, तो तब आप कहते हैं I see. ये अंदाज होता है इसको यूज करने का. बहाने मत बनाओ. Don't make excuses. Don't make excuses. Excuses. मुझे घर छोड़ दो. Drop me home. Drop me home. मुझे नींद आ रही है. I am sleepy. I am sleepy. उसे गाली मत दो. Don't abuse him. Don't abuse him. कल मिलते हैं. See you tomorrow. See you tomorrow. मैं खो गया हूं. I am lost. I am lost. मैं घर पर हूं. I am home. I am home. या हम ये भी कह सकते हैं I am at home. At home थोड़ा कम यूज होता है, so I am home कहिए. क्या चल रहा है? What's going on? What's going on? या हम ये भी कह सकते हैं What's up? What's up? यानी क्या हो रहा है? इसे दिल पर मत लो. Don't take it too hard. Don't take it too hard. वक्त खत्म हुआ. Time's up. जैसे एग्जाम का, टेस्ट का टाइम खत्म हो जाता है तो हम कह देते हैं Time's up. टीचर्स हमें बोल देते हैं, इन्विजिलेटर्स हमें बोल देते हैं Time's up. प्लीज बैठ जाएं. प्लीज बी सीटेड. प्लीज बी seated. How much? कितना? अगर आपको कोई कहे I miss you, आप आगे से पूछ लीजिए How much? कितना मिस करते हैं, तो आगे से आपको जवाब मिल सकता है I miss you a lot. कितने? How many? कितने मेहमान आ रहे हैं? How many guests are coming? How many guests are coming? तो how many का यूज इस तरह से है. Simply how many भी कह सकते हैं. How many यानी कितने. ठीक है, कितनी चीजें, कितने items. Right. आपके बाद, after you. जैसे दो लोग हैं, एक teacher है, एक student है.
टीचर स्टूडेंट के पास गेस्ट आए हैं। अब आप देखिए, स्टूडेंट टीचर को थोड़ी इज्जत इस तरह से दे सकते हैं, जैसे वो इकट्ठे चल रहे हैं तो वो दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए स्टूडेंट, और सर को पहले एंटर होने को कहें, इशारा, हाथ का इशारा करके, ठीक है। तो सर अगर कहें कि नहीं नहीं चलें चलें साथ चलें, तो स्टूडेंट कह देंगे, नो सर, नो, प्लीज आफ्टर यू, यानी आपके बाद, ठीक है। तो इस तरह से आफ्टर यू का यूज किया जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह से करना चाहिए। मजे करो, हैव फन, हैव फन। मेरे साथ पंगा मत लो, डोंट मैस विथ मी, डोंट मैस विथ मी। रابطے में रहना, कीप इन टच, कीप इन टच। जब आप किसी को रवाना कर रहे हो तो आप थोड़ी उसकी फिक्र करने के लिए आप कह सकते हैं कीप इन टच, रابطے में रहना। और जब किसी को रवाना कर रहे हो तो ये लाजमी कहा करें, ठीक है। अगले बंदे को फील होता है कि आप उसकी केयर करते हैं, आपको उसकी फिक्र है। आंख मत मारो, डोंट विंक, डोंट विंक। उसे अलविदा करो, सी हिम ऑफ, सी हिम ऑफ। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। मुझ पर एक एहसान करना की इंग्लिश क्या होगी, डू मी अ फेवर। और अगर हम ये कहें कि मुझ पर कोई एहसान ना करना, डोंट डू मी अ फेवर। बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट, इट्स टू लेट। जब आप कोई काम कर लें और फिर आपको बताना हो तो आप सिंपली कहेंगे आई एम डन, आई एम डन। जैसे मैं कोई असाइनमेंट दूं किसी स्टूडेंट को, तो जब स्टूडेंट कर लें तो वो मुझे बता देते हैं, सर आई एम डन। या अगर ज्यादा लोग हों तो वो कहेंगे वी आर डन। इसे सही करें, करेक्ट इट, और रेक्टिफाई इट। रेक्टिफाई एक अच्छा एडवांस्ड वर्ड है, जबकि करेक्ट आमतौर पर यूज किया जाता है। सो करेक्ट इट और रेक्टिफाई इट, इसे सही करें। अब क्या, व्हाट नाउ। फॉर एग्जांपल, दो से तीन लोग हैं, उन्होंने कहीं जाना है, किसी जगह के लिए निकलना है, तो एक बंदा है उनमें से जो बार बार एक कोई ना कोई चीज घर पर भूल रहा है, ठीक है। कभी वो कुछ उठाने चला जाता है, कभी कुछ उठाने चला जाता है, अब फिर से वो अंदर जा रहा है कुछ उठाने, तो वो दोनों पूछेंगे व्हाट नाउ, अब क्या, ठीक है। सो इस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। व्हाट नेक्स्ट, जब आपने किसी से पूछना हो कि आगे क्या करना है, तो इस तरह से कहेंगे व्हाट नेक्स्ट। उसे अंदर लाओ, ब्रिंग हिम इन, ब्रिंग हिम इन। उसे अंदर लाओ, हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल। इसको दो जगह पर यूज किया जा सकता है, हरगिज नहीं और बिल्कुल नहीं, एक ही बात है। मैं बस आया, या मैं बस आ रहा हूं, आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग। और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। उसकी तरफ देखो, लुक एट हर, लुक एट हर। मुझसे पूछो तो, इफ यू आस्क मी। जिस तरह से हम एक बात स्टार्ट करते हैं, जब आपसे कोई राय ली जाए, मुझसे पूछो तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुडंट गो। If you ask me, you shouldn't go. ठीक है, दिखावा मत करो, don't pretend. ये pretend कौन से वाला दिखावा है? अगर आप किसी को नहीं चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप ऐसा जाहिर करें कि आप उसको चाहते हैं, तो ये वो वाला दिखावा है, ठीक है। आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जाहिरी तौर पर उसको चाहने की, उसको पसंद करने की बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। So, ये वो वाला दिखावा है, डोंट प्रिटेंड। तो कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, ओके, वी शुड नेवर प्रिटेंड।
मुझे देर हो रही है. आई एम गेटिंग लेट. आई एम गेटिंग लेट. मुझे देर हो रही है. मुझे जाना होगा. आई हैव टू गो. आई हैव टू गो. आई हैव टू गो. अच्छा लगा. साउंड्स ग्रेट. जब आपको कोई बात अच्छी लगे, किसी का कोई काम अच्छा लगे, तो आप सिंपली कह लीजिए साउंड्स ग्रेट. यानी आपने कोई बात सुनी, आपको बहुत पसंद आई, आपने किसी का कोई अच्छा काम सुना, आपको पता चला, तो आपको तारीफ करने के लिए ये वर्ड यूज़ करना चाहिए, साउंड्स ग्रेट. ओके, आप कोई स्टेप लेने जा रहे हैं, राइट? आप कोई मशवरा देते हैं किसी को, आप कोई सजेशन सामने रखने हैं, तो आप उसकी तारीफ करने के लिए, उस बात की तारीफ करने के लिए कह सकते हैं साउंड्स ग्रेट. यानी मुझे अच्छा लगा, आपकी बात अच्छी लगी. मान जाओ ना, प्रिटी प्लीज. मान जाओ ना, प्रिटी प्लीज. इस तरह से ये थोड़ा सा वो जैसे मिन्नतें करने वाली बात होती है किसी की, ठीक है, थोड़ा झुकाव से किसी को मनाने वाली बात होती है, तो तब आप ये कह सकते हैं प्रिटी प्लीज. तुमने सारी हदें पार कर दी. यू क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स. यू क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स. ऊंचा बोलो. स्पीक अलाउड. ऊंचा मतलब बहुत ऊंचा, इतना ऊंचा कि दूर तक सुनाई दे, ठीक है, उसका मतलब होता है स्पीक अलाउड. और जब हमें कहना हो थोड़ा ऊंचा बोलो, इतना ऊंचा कि अगले बंदे को सुनाई दे जाए ठीक तरह से, ठीक है. एक है मैं जैसे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, तो सुनने वाला यानी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी मुझे कहेंगे सर थोड़ा ऊंचा बोलें. तो मैं फिर स्टूडेंट्स बेसिकली मुझे क्या कहेंगे, सर स्पीक अप प्लीज. सर स्पीक अप प्लीज. आई कांट हेयर यू और वी कांट हेयर यू, ठीक है. स्पीक अप, तो स्पीक अप में और स्पीक अलाउड में डिफरेंस है, याद रखिए. मुझे ऊंचा सुनाई देता है. I am hard of hearing. I am hard of hearing. मुझे वहां पहुंचा दो. Get me there. Get me there. उसे छुटकारा पा लो. कोई चीज है, कोई बहुत बड़ा मसला है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं Get rid of this. For example, कोई सूद की इंटरेस्ट बेस्ड आप डील कर बैठे हैं, जिसमें आपको हर मंथ बहुत ज्यादा सूद पे करना पड़ता है, अदा करना पड़ता है, तो आपका दोस्त, अच्छा दोस्त आपको मशवरा देगा गेट रिड ऑफ दिस, ठीक है. आप कुछ खाते क्यों नहीं है, व्हाई डोंट यू ईट समथिंग, या व्हाई डोंट यू हैव समथिंग. ईट की जगह पर हैव का वर्ड भी यूज किया जा सकता है. व्हाई डोंट यू हैव समथिंग और व्हाई डोंट यू ईट समथिंग, दोनों बोले जा सकते हैं. मैं आसपास ही था. आई वॉज अराउंड. आई वॉज अराउंड. जैसे आपसे कोई पूछे वेयर वर यू और वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे, कहाँ रह गए थे, तो आप जवाब में क्या बताएंगे, आई वॉज अराउंड. अपने बाप को मत सिखाओ. डोंट टीच योर फादर. डोंट टीच योर फादर. ये मोबाइल उसका है. This mobile belongs to him. This mobile belongs to him. एक लफ्ज भी मत बोलना. Don't utter even a single word. Don't utter, यानी अदा करने के मानों में हम utter का word यूज कर रहे हैं, ठीक है. Don't utter even a single word. एक लफ्ज भी मत बोलना. मेरी कसम खाओ. Swear on me. Swear on me. मेरी कसम खाओ. उसकी कसम खाओ. Swear on him. अपनी माँ की कसम खाओ. Swear on your mother. तो इसी तरह से जिसकी कसम खाने की बात हो रही हो उसका नाम यहां पर बोल दें. Swear on और उसके बाद वो नाम जिसकी कसम खाने की बात आप कर रहे हैं. तुम मेरी जासूसी कर रहे हो. Are you spying on me? Are you spying on me? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है. How many times I've told you?
how many times I've told you. असली बात पर आओ, यानी मुद्दे की बात पर आओ. Come to the real point. Come to the real point. Okay, दोस्तों, so ये थे आज के 107 English sentences. I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा. So इस वीडियो की PDF आप वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं. और अगर आपको वाकई में ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच. बाय फॉर नाउ.